के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। चिलवाता थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसी बालिका, एसएसपी ने कहा जल्द होगा घटना का खुलासा। तहसील सदर सभागार में आयोजित हुआ जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधक में एक चुनौती विषय पर कार्यशाला, वक्ताओं ने रखे अपने विचार। किया गया मॉक ड्रिल, सीडीओ ने कहा आपदा प्रबंधन में कारगर होगा यह कार्यशाला। कैन थाना क्षेत्र के बेतिहाता गोलीकांड में 25,000 के इनामी चार बदमाशों ने कोर्ट में किया सरेंडर। एसएसपी ने कहा पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर किया जाएगा आगे की कार्यवाही। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मेडिकल असेसमेंट कैंप कस्तूरबा गांधी एवं करेक्टिव सर्जरी के संबंध में हुई बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ का बजा बिगुल, 4 से शुरू होगा नामांकन प्रक्रिया, 13 को होगा मतदान, परिणाम भी उसी दिन होगा घोषित, चुनाव अधिकारी ने दी जानकारी। नवागत सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा शासन की योजनाओं को संचालित करना ही है उनकी मुख्य प्राथमिकता। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का मुख्य विकास अधिकारी ने किया उद्घाटन, कहा मौसम की सटीक जानकारी देगा यह स्टेशन। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने दिखाई ईमानदारी की मिसाल, गुमशुदा पर्स उसके स्वामी को लौटाया। सीओ क्राइम और एसपी ट्रैफिक ने व्यापारियों की समस्याओं के किया बैठक, व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग बंधु की मासिक समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर को दी गई भावभीनी विदाई, स्मृति चिन्ह और उपहार देकर किया गया विदा। पार्षद पर उचित कार्यवाही न होने पर पीड़ित मेट के समर्थन में आए निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने जारी रखा कार्य बहिष्कार, नगर आयुक्त ने दिया कार्यवाही का आश्वासन। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच ने दिखाई ताकत, काली पट्टी बांध कर किया प्रदर्शन। उप मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण, अतिक्रमणकारियों को दी चेतावनी। और संविधान की प्रतियां जलाए जाने का अंबेडकरवादी मंच ने किया विरोध, धरना देकर किया प्रदर्शन।